नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही ईडी ने 2 फर्मों पर भी आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आज ही चार्जशीट और दस्तावेजों की ई कॉपी भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगी। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए। चार्जशीट ईडी की तो है ही नहीं, ये चार्जशीट तैयार हुई है बीजेपी के दफ्तर में। अब बीजेपी के दो टॉप लीडरशिप ने तैयार करवाई है। 2008 का केस, 16 साल पुराना, जिसमें मंत्रालय कंप्लेनेंट भी नहीं है। मंत्रालय के नजर में ये घोटाला नहीं है। आज भी चार्जशीट में मंत्रालय और मंत्रालय के अधिकारियों का नाम नहीं है, घर की महिलाओं का नाम आपने दिया, जिनका कोई कार्य संचालन से मतलब नहीं था, रेलवे मिनिस्ट्री को चलाने से कोई मतलब नहीं था। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए आप कर रहे हैं। अमित कात्याल सीबीआई के प्रोटेक्टेड विटनेस थे, उनको ईडी उठा रही है, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? और हम जान रहे हैं समन पे समन अभी आप भेजिएगा, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप दाखिल करने की कोशिश करेंगे, जिनके नाम छूट गए उनको डालने की कोशिश करिएगा। तो जाहिर तौर पर आपकी ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का अवसान होने जा रहा है। मैं तो बल्कि आपको कह दूं, आप हमेशा के लिए सत्ता में नहीं है, बड़े दुख उठाइएगा आप जब इन एजेंसीज के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि इन एजेंसीज के चरित्र को आपने कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया है, और यही है लैंड फॉर जॉब का लबोलुभाव। वहीं इस पूरे मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह का भी बयान आया है। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार या दिल्ली के मुख्यमंत्री, कौन छूटा हुआ है? केवल एक दबाव किस लोकतंत्र में आज प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, क्या ये संस्थाएं अब किसी व्यक्ति के प्रचार के साधन बनेंगे? जो भी लोकतंत्र की रक्षा और हिफाजत के लिए आगे खड़ा होकर के जनता की आवाज़ उठाएगा, उसे इसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अभी तो बिल्कुल यहाँ पूरे देश में परंपरा बन चुकी है, इसलिए कोई नई बात हो तो फिर अभी कुछ इस पर बोले। आपको बता दें कि ये मामला 14 साल पुराना है। 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 17 लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी दिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के अलग अलग मंडलों के पदों पर ग्रुप डी में काफी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की थी। साल 2004 और 2009 के बीच इन सभी नियुक्तियों में लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे टीवी 9 बिहार झारखंड।